डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट 1.4। क्यूब का मतलब होता है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इसे। वन पॉइंट फोर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 5 14। 1 2 2 डिजिट छोड़ के पढ़ी है हम, फिर 1.4 के साथ 24 2 कैरी 96, 36 36 में 2 ऐड करते 38 3 कैरी 6 9 1 4 14 17 2। 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पढ़ी है हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 0.4। मीन होता है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। 4 4 16 16 4 4 64 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पढ़ेगा 1 2, तो 0 कुछ यहाँ पर लगा के ये ऐसे ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट 0.8, मीन 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 8 8 64, फिर 8 के साथ 8 4 32, 8 6 48, 5 1 2। 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट या फर्स। इसके बाद हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ट्वेंटी सेवन के फैक्टर बनाए 3.3.3। इसी तरह 216 के फैक्टर बना दो तो 6.6.6। 3 का क्यूब 6 का क्यूब, ये 3 बार इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3/6 ये हमारा आंसर है। थ्री फाइव नाइन थ्री सेवन सेकेंड पार्ट, इसके फैक्टर बनाए 3 के साथ 3 1 3 1 3 9 3 7 3 9। फिर 3 के साथ 3 3 9 3 9 3 9 3 3 के साथ 11 के साथ 11 1 3 के साथ 11 2 11 1 फिर 11 के साथ 11 के साथ, तो ये आ जाता है 3 3 टाइम्स है 3 का क्यूब.11 क्यूब। ये 3 बार इससे कैंसिल और इससे भी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3.11। डॉट का उधर पहले होता है मल्टीप्लाई होता है 11 3 4 33, ये हमारा आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट 3 3 7 5 3 3 7 5, इसके भी फैक्टर बनाए 5 के साथ 5 6 5 7 5, फिर 5 के साथ 5 1 5
फाइव थ्री के साथ, फिर फाइव के साथ, फिर थ्री के साथ, फिर थ्री के साथ, तो ये आ गया फाइव का क्यूब डॉट थ्री का क्यूब, ये थ्री बार क्यूब रूट सात के आंसर, फाइव डॉट थ्री फिफ्टीन आंसर। ये आज हमारी 2.9 एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए सेम वैसे ही है, तो ये किस्म का आपका टेस्ट होगा, ये आपने खुद करनी है। कहीं कोई परेशानी हो तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं फिर ये ऑनलाइन होकर आपको करवा दूँगा। थैंक यू।